हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन लर्न टुगेदर। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी काउंसिल से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है उसकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बच्चों को बुलाया गया है। आप लोग जानते होंगे कि जो सीट है वो बहुत ही कम फ्रीज हुई हैं और अपग्रेड ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि बहुत ही स्टूडेंट ने अपना पेमेंट नहीं किया है। जो 10,000 पेमेंट करना था, बहुत सारे स्टूडेंट ने पेमेंट नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें अपने मन की सीट ही नहीं मिली। 130 सीट फ्रीज हुई हैं, आप लोगों को मालूम होगा 130 सीट हैं वो फ्रीज हुई हैं एंड अदर सीट हैं वो अपग्रेड हो गई हैं। जैसा कि जानते हैं 600 सीट हैं वो आप लोगों की टोटली जो सीट हैं वो 600 हैं, उसमें से जो 130 सीट हैं वही फ्रीज हुई हैं एंड अदर जो सीट हैं वो अपग्रेड हो गई हैं। अब किन बच्चों को जाना होगा, 5 से 10 जनवरी तक यूनिवर्सिटी में 5 से 10 जनवरी तक बुलाया गया है। अब किन बच्चों को जाना होगा, जो जिन बच्चों ने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है और उन्होंने पेमेंट कर दिया है, वही बच्चे कॉलेज में जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने एक्सेप्ट एवं फ्रीज किया है उनकी सीट है वो अलॉट हो गई है, उनके अनुसार उनकी सीट अलॉट हो गई है। एंड जिन्होंने एक्सेप्ट एवं अपग्रेड किया है उन बच्चों को भी नहीं जाना होगा, क्योंकि उन्होंने कोई पेमेंट तो किया नहीं है, एक्सेप्ट एवं अपग्रेड किया है तो उनको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में मौका मिलेगा जिन्होंने एक्सेप्ट एवं अपग्रेड किया है। एंड जाना उन बच्चों को होगा जिन्होंने एक्सेप्ट एवं फ्रीज किया है। सो उन बच्चों की जो सीट है वो अलॉट हो गई होगी। एंड आई होप आप लोगों ने किसी ने एग्जिट तो किया नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन जो आता है वो एग्जिट आता है। सो एग्जिट कोई मत करना, एक्सेप्ट या अपग्रेड करना या एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना। सो आपकी जो एक सीट होगी वो अलॉट हो जाएगी। एंड अभी आप लोगों की काउंसलिंग बहुत ही अच्छा प्रोसेस चलेगा, क्योंकि सीट बहुत कम अलॉट हुई हैं, 130 सीट अलॉट हुई हैं एंड अदर सीट जो हैं वो बची हुई हैं। डिप्लोमा कोर्स एंड डिग्री कोर्स की भी सीट बची हुई हैं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग ज़्यादातर बी फार्मा की सीटें ही फुल हुई हैं बीएससी नर्सिंग। एंड फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद भी सीटें जो हैं वो खाली बच सकती हैं, उसमें भी आप लोग फिल कर सकते हैं। जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आप लोगों को बहुत ही अच्छा मौका मिलने वाला है। आप लोग जानते होंगे जैसा कि कोई साइट पे इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, जो कि इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो सारी कुछ ईमेल के थ्रू दी जा रही है। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के ईमेल के थ्रू ही दी जा रही है। साइट भी आप लोगों को जो सीट जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर आएगा कि कब से सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, वो भी आप लोगों को ईमेल के थ्रू ही मालूम होगा। सो आप लोग अपने अगर आप लोगों को कोई भी और जानकारी चाहिए तो ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं एंड आप लोग इस साइट पर जाकर कॉल भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। एंड ईमेल के थ्रू ही काम हो रहा है, क्योंकि साइड में अब की बार कुछ भी नहीं हो रहा है, साइड में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ईमेल के थ्रू ही दी जा रही है। सो अभी सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो रही है, क्योंकि 5 से 10 जनवरी तक अभी आप लोगों की जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है उन्हीं बच्चों को कॉलेज में बुलाया गया है। एंड अगर जिस बच्चों ने फ्रीज नहीं किया है एंड उन्होंने एक्सेप्ट एवं अपग्रेड किया है, उन बच्चों को नहीं जाना होगा। अगर उन्हें कोई भी जानकारी चाहिएगा तो आप लोग कॉलेज जा सकते हैं कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए, लेकिन उन बच्चों को बुलाया नहीं गया जिन्होंने एक्सेप्ट एवं अपग्रेड किया है, क्योंकि आप लोगों ने फीस तो सबमिट की नहीं है। जो फीस नहीं सबमिट की तो आप लोगों को वहाँ पर सीट अलॉट नहीं होगी। जिन्होंने एक्सेप्ट एवं फ्रीज किया है उन्हीं बच्चों को स्कूल में बुलाया गया है। सो फ्रेंड्स, ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आप लोगों को कैसी इन्फॉर्मेशन लगी, सो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।